आज भाई बहन एंड बहनिन को राम राम बहन। आज हम लाल चना के सब्जी बनेलियो है। कैसे बनावल जा है लाल चना के सब्जी तो हमारे वीडियो में जरूर देखिए कि हम कैसे लाल चना के सब्जी, देखो कितना गाढ़ा है, तो हमारे वीडियो को जरूर देखिए कि हम कैसे बनेलिया है बिना टमाटर के जो इतना गाढ़ा बन ले है। चला हम बनाना शुरू कर रही हो। आज हम अपना मगही भाषा में बहन और भाई को बोल रही है कि आज हम मगही भाषा में लाल चना के सब्जी बनेबो। अपन भाषा को सब लोग भूलल जाए रहा है, इसलिए हम अपना भाषा में आज हम लाल चना का सब्जी बनेबो। और तुम तो हनी सर वीडियो जरूर देखिए। अपन अपन जिला के अपन अपन भाषा होता है। हम अपन नालंदा जिला के मगही भाषा में बोल रही हूँ। मेरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये लाल चना ले लियो है 200 ग्राम, इसे फुला कर और इसे अच्छी तरह से धो ले लियो है। धोला के बाद इसे देखो उबाल लिया है, 3 से 4 सीटी देकर देखिए उबाल ले लियो है। 2-3 गो आलू भी ले लियो है, इसे भी हम इसी के साथ उबाल ले लियो है। और देखो मसाला में कुछ कुछ ले लियो है, 1 पोटल लहसुन ले लियो है, 2 प्याज ले लियो है, 1 इंच आदि ले लियो है। इस सभी को हम भूजबो। और देखो मसाला में हम धनिया ले लियो है, जीरा, गोलकी और मिर्चाई ले लियो है। तेरे पास पाउडर रहते ना तो पाउडर डाली है, कि हमारे पास पाउडर ना है इसलिए हम इसी को पीसबो। चला हम बनाना शुरू कर रही है। देखो दोस्तों कढ़ाई चढ़ा दे लियो। कढ़ाई में हम पहले प्याज के भूंजबो, इसलिए 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लियो है। देखो तेल गरम हो गलो है, एरा में हम पहले प्याज के डाल दो। प्याज को हम लाल होने तक भूंजबो। देखो प्याजवा भुंजा रहा है, उसमें हम लहसुनों के डाल देंगे और आदियों के डाल देंगे। इस एरो भूज लेंगे लाल होने तक, प्याजवा के साथ एक भुंजा देते। भाइयों बहनों भोजपुरी भाषा जानता होगा, मिथिला भाषा भी जाना होती, ऊपर मगही भाषा भी जाना कि मगही भाषा में कैसे बोला है। हमारे के बचपन तो मगही भाषा सुनकर हंसता है कि मम्मी कैसे बोले हैं। हम उन लोग को जानबूझ के सुनावे ही किसी में उन लोग हंसता है। इसी तरह से आज तुम लोग को भी हम सुना रही है, तुम्हें वीडियो देखिए और हंसी है कैसे बोला है। देखो प्याज वाला सुनवा सब भुंजा गए हैं, जैसे लाल नून होने लग गए। अभी जीरा धनिया अभी सैयो डाल देंगे, एरो जी भी सब भूज देंगे। देखो सभी मसाला भुंजा गए ना, अब हमेरा में देखो कुछ डाल रही हो, 1 चम्मच चना डाल रही हो, वो लाल के चना तो भूज रही हो। देखी 2 मिनट हो गए, देखी लहसुन प्याज ललका चनवा सब भुजा गए। अब हम गैस पे देखो गैसवा को बंद कर दियो और हम ठंडा हो गए। देखो चना और प्याज सब ठंडा हो गए है, एरा मिक्सी में पीस लीजिए। तोरा अगर सिलौटी हको ना तो सिलौटी पर भी पीस सको, सिलौटिया पर पीसलका ना ज्यादा अच्छा लगा है। चला एकरा हम पीस ले लिया। देखो एकरा में जीरे सा पानी दे के पीसबो, न तो ना पीसे तो थोड़ा सा पानी देबो और एरा हम पीस ले लियो। देखो मसाला हम पीस ले लियो है, एरा हम कटोरिया में निकाल लेबो। देखो निकाल ले लियो है। देखो फिर से हम गैसवा जला दे लियो है और कढ़ाइया गरम हो गलो है। एकरा में हम तेल डालबो, सरसों के तेल डाल हियो।
दो बड़ा चम्मच डालबो। देखो तेलवा गरम हो गया है, इसमें हम देखो दो गो चार पत्ता दिलिए, चार पत्ता बोला है। ये दालचीनी है, लौंग है, दस गो गोलकिया हको और एक चम्मच जीरा हको, सबके हम तड़का डालेंगे। देखो जीरवा देखो जल रहा है, थोड़ा सा और जला लीजिए। आ हमारे हम कोई गरम मसाला ना डालबो ना टमाटर डालबो। आज तुम्हें हमारे तरीके से बनाई है, देखिए बड़ी टेस्टी लगते। देखो मसाला हम पीस के रखा लिया ना, एक हम डाल दे लाल होने तक भूनबो, जब तक कि तेलवा बाहर ना आ जाए तब तक भूनबो। देखो जरवा से धो के थोड़ा सा पानी भी डाल देबो, ऐसे भूनबो। देखो मसाला भुजा रहा है, आधा तो पहले से भूज ले रही और अभी और भूज दे रही है। देखो एक चम्मच हम हल्दिया दे रही हो और नमकवा जाने हो, नमकवा तो हम उबाले में दे लिए है, तो थोड़ा सा और दे ही हो। तुम अपन देख लिया कि कितना बनावा हो, कितना नमकवा उबाले में दे लिया उसके अनुसार से दी है। ऐसे वैसा तो काम करके भूजिया जब तक कि ऐसे तेलवा अलग ना होने लगते। देखो मसाला भुजा गया, देखो कैसे पता चल रहा, देखो कढ़ाइया से मसाला चिकन हो जा रहा। देखो और अधिक तेलवा देखो ना तो ज़्यादा होते, लेकिन ज़्यादा तेलवा खाना भी तो अच्छा ना ना है, इसलिए हम कम ही तेलवा में बना रहे हैं। हमारे वीडियो देखिए सब, हम कम कम तेल में बना रहे हैं, क्योंकि बनेबो तो देखेबो तो हानि के खाएबो तो हम ही ज़्यादा खा के बीमार हो जाए, इसलिए तेलवा हम अपने अनुसार से कम ही देंगे। तोरा अपने इच्छा हो कितना तेल दिया अपने उसके अनुसार दिया। देखो अलुआ को हम चूर भी लिया हथवा से, ये अभी हम डाल दे रहे हैं, मिला दे ही मतलब ना कुछ कर लेगा, अलुआ तो सीजन है ये। और देखो ये चनमा है, पनिया के साथ ही रह दे लिया, क्योंकि ये पनिया में बहुत विटामिन हो गया है, इसलिए डाल दे रही है। अरे मिला दी मसालवा को अच्छी तरह से, चनमा मिला दीजिए। देखो मसालवा में चनवा के मिला दे दियो है, लेकिन गाढ़ा है, एरा चार पाँच मिनट के लिए और पकेबे, इसलिए थोड़ा सा और पनिया दे दिए, इतना पनिया दे दिलियो है, अरे मिला दे रही है। और हम इसे लो फ्लेम पर, मैंने लो मतलब समझो कम कम अचिया में, एरा हम पाँच मिनट पकेबे। चलो हम पाँच मिनट बाद फिर से मिले ही हो। देखो दोस्त सब, देखो पाँच मिनट हम चनवा के पका ले लिए हैं मसाला में, वैसा तो बंद कर दिए। देखो वैसा तो हम बंद कर दिए, और एरा तू भात के साथ खा, रोटी के साथ खा, बहुत अच्छा लगते। भात के साथ तो ज़्यादा ही अच्छा लगते। लाल चना के चाट भी बना है भाई, वो तू बोलबू तो हम बनेबो, और तू कमेंट करिया कि हम मगही भाषा में बोल लियो तो कैसन लगलो। अगर तू तो हानी सबका अच्छा लगतो ना, तो हम हर वीडियो को मगही भाषा में बनेबो, कमेंट जरूर करिया। और तू भी मेरे तरीके से बनाई है, बड़ी आसान हो। देखो मसाला भी ज़्यादा ना देली वाला, कितना गाढ़ा झोरा को कैसे झोरिया गाढ़ा कैसे होले, ये ललका चनवा के पिसा लिए ओकरे से होले है। और मसाला भी कम हो लो, तो तू मेरे तरीके से बनाई है। मेरे चैनल पर पहली बार आएगा ना तो सब्सक्राइब कर दिया, अच्छा लगता था, और लाइक करिया शेयर भी करिया दोस्तों में। हम फिर मिलबो नए का रेसिपी में, तब तक के लिए प्रणाम, राम राम भाई बहन।